नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। तारीख को अगीला परसावा पेट्रोल पंप के जो कि जयराम नेमस पेट्रोल पंप से संचालित हैं, वहां से लगभग 6000 रुपया और सीसीटीवी कैमरे लूट ली गई थी अपराधियों द्वारा। पुनः दूसरे दिन यानी कि 26 तारीख को सुजाता पेट्रोल पंप से जो कि गोकला में स्थित है वहां से लगभग 26000 रुपये लूट ली गई थी अपराधियों द्वारा। पुनः 27 तारीख को मोड़ के पास में ये लोसी मोड़ के पास में एक मवेशी व्यापारी से 1,10,000 रुपये की लूट की गई थी। इसमें इंस्पेक्टर सिकंदरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और उन्हें सफलता प्राप्त की है और 2 अपराधियों इसमें गिरफ्तार की गई है और उनके पास से जो लूट के कारण उपयुक्त मोटरसाइकिल है, मोबाइल से और जो उसके पास में गमछा है, ये पुलिस ने बरामद की है और इन पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक अहम बात यह है कि जो चंद्रदीप थाना अंतर्गत जो जयराम पेट्रोल पंप से मॉनिटर की जो लूट हुई थी वो मॉनिटर भी बरामद की गई है और इसमें 3 अपराधियों का अभी तक अनुसंधान के विषय में आया है और एक पिंटू यादव और मिथिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और अन्य की तलाश जारी है। पहले से भी कोई आपराधिक मामला था? इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और अगर किस तरह की बात आती है तो उसको भी अनुसंधान में लाया जाएगा। पिंटू यादव नवा डी कराने वाला है और मिथिलेश यादव जो है आचार्य डी कराने वाला है। ये सब चीज चलता है यहाँ पर, समझे ना, इसलिए आप चिंता ना करें। अच्छा आप थोड़े जाके बैठिए ना, मैंने बढ़िया काम हो गया।